तो भाई लोग, तुम्हारे भाई को पड़ चुका है एक स्ट्राइक, और वो स्ट्राइक किसने मारा है मैं ये नहीं बताने वाला। और अब 90 दिन बाद स्ट्राइक हटेगा, यानी कि 5 अगस्त को स्ट्राइक रिमूव हो जाएगा। और बस मैं तब तक तो कुछ नहीं कर सकता, खैर बी केयरफुल वाली वीडियोज़ ही बनानी पड़ेगी मुझे 90 दिन तक। तो अगर तो मैं 90 दिन तक वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, जो कि नहीं होने वाला, रेगुलर इतना भी नहीं हूँ मैं, तो मैं कम से कम 80 या 70 वीडियोज़ तो अपलोड करेगा ही 90 दिन तक। तो वो कुछ इसी तरह के टॉपिक्स पे होंगी, ठीक, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे होंगी, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस है ना, उनका मैं रिस्क अभी नहीं लूंगा, क्योंकि एक स्ट्राइक ऑलरेडी है, तो यार प्लीज़ मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो चलो, आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 वर्स्ट एलियंस ऑफ बेन 10। तो लिस्ट स्टार्ट करते हैं। तो भाई नंबर 10 पे आता है बे विविल, और भाई ये एलियन छुटकू मॉन्स्टर जो कि चिपचिपे बॉल्स बनाता है, मुझे तो लगता है किसी काम का नहीं, ठीक है भाई, मुझे लगता है किसी काम का एलियन नहीं। इसकी सिर्फ ये एबिलिटी है, ये चलते हुए बॉल्स बनाता रहता है, वो भी चिपचिपे, और भाई बिल्कुल भी काम का ही नहीं है, मुझे वर्स्ट एलियन लगता है यार। नंबर 9 वेलकेट्रूट, ये भी भाई एक बेकार तरीन एलियन है बेंटन का, जिसका कोई काम ही नहीं है जिंदगी में, बस ऐसे अपने हाथ ऐसे 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 करते रहो, और बस ये इसकी मतलब यही खूबी है इसकी, ये कुछ कर ही नहीं सकता। नंबर 8 पर आते हैं अपने जो है ईटल भैया। ईटल सिर्फ एक ही काम करता है, टकरे मारता घूमता है दीवारों में, बस यही काम करता है। ये काम कोई भी एलियन कर सकता है, लिटरली कोई भी, ह्यूमंगसोर, आर्मेड्रिलो, और भी बहुत सारे पावरफुल एलियंस जो कि काम कर सकते हैं। अब नंबर 7 पे बात करते हैं हम लोग फास्ट ट्रैक के बारे में। अब देखो, फास्ट ट्रैक के फैन बिल्कुल ऑफेंड मत होना, ठीक है, फास्ट ट्रैक मेरा भी फेवरेट है, लेकिन जब एक एक्सेलरेट नाम का एलियन है बेन के पास, तो फास्ट ट्रैक की कोई जरूरत ही नहीं है वहां पे, ठीक है, मतलब फास्ट ट्रैक यूजलेस एलियंस में से एक है, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। ओमनीवर्स में भी हम लोगों को स्टार्टिंग के एपिसोड्स में दिखाया गया है कि मतलब बेन कितना रोया होगा, मतलब कितना, मतलब रोने से वो मतलब नहीं कि है रो रहा है बैठ के, मतलब वो बहुत ही ज्यादा ओमनीट्रिक्स को बार बार कह रहा था मुझे फास्ट ट्रैक दे दो, मुझे फास्ट ट्रैक दे दो, मुझे फास्ट ट्रैक दे दो, लेकिन ओमनीट्रिक्स ने उसे क्या दिया, एक्सेलरेट, क्योंकि एक्सेलरेट की जो है उस टाइम पे फेम बहुत ज्यादा थी फास्ट ट्रैक के मुकाबले, तो इसलिए बेंटन ओमनीवर्स वालों ने सिलेक्ट करा फास्ट ट्रैक से सीधा का सीधा एक्सेलरेट। नंबर 6 पे बात करते हैं एस्ट्रोडक्टल की। जी हाँ, ये भी एक यूजलेस एलियन ही है मेरी नजर में, अब तुम लोगों की नजर में ना हो, लेकिन मेरी नजर में जब जेट्रे था, इतना लेजेंडरी एलियन, मतलब इतना ओपी दिखता था, लेजर्स शूट करता था अपनी आंखों से, अपने हाथों से, पैरों से, तो भाई एस्ट्रोडक्टल की क्या जरूरत थी, वो भी उड़ सकता है, वो भी लेजर्स छोड़ सकता है, मतलब क्यों, ऐसा क्यों यार, फालतू। यही सेम चीज जो फास्ट ट्रैक के साथ हुई, वो जेट्रे के साथ भी हुई, कि बेन मतलब ओमनीट्रिक्स को कहता रहा कि भाई मुझे जेट्रे दे दो, जेट्रे दे दो, जेट्रे दे दो, लेकिन एस्ट्रोडक्टल मिला यार उसको बेचारे को, भी स्टिंग फ्लाई मिला, तो हाँ गलत स्कैम हो गया बेचारे के साथ। नंबर 5 पर्क अपचक, और दूसरा वाला अपचक जिसका नाम मैं हमेशा ही भूल जाता हूँ। तो भाई ये दो कैटेगरी के अपचक्स हैं, ठीक है, सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम, इनकी प्रजाति अलग है बस, यानी कि जैसे कि काले और सफेद लोग, बिल्कुल ऐसे ही है इनका सीन भी, ठीक है, ये लोग भी एक दूसरे को नहीं पसंद करते। तो भाई ओमनीट्रिक्स में इन दोनों के डीएनए है, जो कि मुझे एक ही ओमनीट्रिक्स में डीएनए होना काफी था, लेकिन ओमनीवर्स वालों ने भाई दो दो घुसा दिए, कोई ना यार चलो फिर भी, लेकिन ये टॉप 5 पे आता है। नंबर 4 अल्टीमेट कैनन बोल्ट, अल्टीमेट कैनन बोल्ट, जी हाँ, ये एक यूजलेस एलियन में आता है, क्योंकि सिर्फ इसका डिजाइन थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया, यानी कि वो ऊपर से जो है नट बोल्ट से निकाल दिए गए इसके ऊपर, और बस बिल्कुल सेम था बाकी ये कैनन बोल्ट, और ये भाई बहुत ज्यादा थोड़ा सा मतलब तेज भाग सकता था, यानी कि रोल कर सकता था कैनन बोल्ट से, और थोड़े से अटैक ज्यादा झेल सकता था, और क्या एबिलिटी है इसमें मुझे खुद बताओ तुम, तो ये भी एक यूजलेस एलियन है। नंबर 3 किकन हॉक, देखो यार ये यूजलेस तो नहीं है, लेकिन वर्स्ट जरूर है, क्योंकि बेन के पास बहुत सारे ऐसे एलियंस हैं जो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी अच्छे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि अच्छा है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, बट फोर आर्म्स, ह्यूमंगसोर और भी बहुत सारे एलियंस हैं, लेकिन यार ठीक है कोई नहीं, ये चिकन जैसे दिखने वाले एलियन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, मैं ये कहना चाहूंगा, वियर्ड लगता है यार ऐसे, मतलब चिकन पूरा का पूरा खड़ा हुआ है, फ्राई करके खा दूं दिल तो चाह रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 यूनिचोर, देखो यार इस एलियन का मैं क्या ही बोलूं, इसको मतलब एक्सेलरेट और घोड़े को मिक्स करके बना दिए, ये मजेदार, मतलब वाह, ओमनीवर्स वालों की सोच देखो तुम, उन्होंने घोड़ा पकड़ा और एक्सेलरेट के भाई नीचे टायर लगा दिए उसके, और भगाओ भाई इसको भगाओ, ऐसा लगता है कि एक घोड़ा जो है वो सर्कस के अंदर चल रहा है, मतलब सर्कस में ऐसी जो है साइकिल्स को यूज किया जाता है जिनका एक पहिया होता है, मतलब क्यों यार क्यों, एलियंस के साथ ऐसे खिलवाड़ मत किया करो यार। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं नंबर 1 एलियन के बारे में, जो इतना कोई इतना वियर्ड, वर्स्ट
और स्ट्रेंज एलियन है ना जिसका कोई हिसाब ही नहीं है भाई, मतलब इतना भाई मैं क्या ही बोलूँ। तो तुम्हें भी पता है मैं किसकी बात करने वाला हूँ? हाँ, ज़्यादातर लोगों को पता होगा जो ओमनिवर्स देखते थे और उनके मतलब बेंटन के डायहार्ड फैन है, उनको पता होगा कौन है द वर्स्ट। हाँ, इसका एलियन का नाम ही यही है। जब बेन ये ट्रांसफॉर्म हुआ था ना बेन इसमें, तो उसने इसका नाम द वर्स्ट ही रख दिया भाई। इतना घटिया एलियन उसने आज तक देखा नहीं। इसकी क्या एबिलिटी है? पिटता रहेगा, बस पिटता है, बस यही है एबिलिटी। ये कभी मर नहीं सकता और सिर्फ पिटता रहता है, और इसको चोट भी नहीं लगती, सिर्फ पिटता है, सिर्फ पिटता है बस। इसके अंदर और कोई एबिलिटी ही नहीं है। तो भाई इस एलियन को तो नंबर वन पे आना ही था। तो भाई थैंक यू यार तुम लोगों को इतने सपोर्ट के लिए। यार तुम लोगों ने 350 सब्सक्राइबर्स करवा दिए हैं, 500 जल्दी से करवा दो, फिर Q&A रखते हैं एक दोबारा से, जिसके अंदर बहुत सारे न्यू लोग होंगे और वो लोग मुझे जो है क्वेश्चंस भेजेंगे। अभी मैं पूछने लग जाना क्वेश्चन 500 पे, ठीक है ना? 500 करवा दो, फिर मज़े ही मज़े हैं। फिर 1K अगर मेरी बर्थडे से पहले हो जाते हैं तो फेस रिवील वाला वीडियो मैं अपलोड करूँगा विद अल्टीमेट्रिक्स मेकिंग वीडियो। या जल्दी कर दो भाई, जल्दी से, मुझे पता है तुम लोग बहुत जल्दी करवाने वाले हो 1K। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।